नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। आज मसाला किचन में बन रही है दिवाली की स्पेशल भाकड़ बड़ी। भाकड़ बड़ी का नाम सुनते ही याद आ जाता है कि त्यौहार की ये रेसिपी है। त्योहारों में अक्सर हम इसी टाइप के नमकीन बना के रखते हैं, लेकिन आज जो खास किया है ना मैंने भाकड़ बड़ी दो टाइप की बनाई है और एक भाकड़ बड़ी को बिना ऑयल के बिना फ्राई किए बनाया है। तो आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कैसे, चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। तो यहाँ देखिए, भाकड़ बड़ी बनाने के लिए उसकी जो कवरिंग होती है वो मैं बना रही हूँ 2 कप मैदे से। 2 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो इसके लिए आप 1 कप आटा 1 कप मैदा ले सकते हैं, पर शर्त ये होगी कि अगर आपको डीप फ्राई करना है तब तो आप भले ही आटे की बनाएं, लेकिन जब बेक कर रहे हैं तो हमें मैदे की ही बनानी पड़ेगी। उसमें डाल दीजिए 1/4 कप रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजवाइन हाथों से क्रश करके। अब मैंने 1 कप भर के पानी ले लिया है, उसी से मैं आटा गूंद रही हूँ इस मैदे को, और जितना पानी लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम घी को अच्छे से मिक्स करेंगे, इस तरीके से लड्डू बना के देखेंगे। जब ये परफेक्ट लड्डू बन रहा है मतलब इसके अंदर जो घी ऑयल जो भी हमने डाला है वो परफेक्ट है, क्योंकि हम फ्राई ना करें लेकिन क्रिस्पी तो होनी चाहिए ना। और एक बात, भाकड़ बड़ी कई टाइप की बनती है, लेकिन यहाँ मैं आपको मिनी भाकड़ बड़ी बता रही हूँ जो हमें मार्केट में दुकानदारों के यहाँ मिलती है। हमें इसे टाइट गूंथना है और इसे जरा सा ऑयल लगा के चिकना कर देना है लास्ट में, और इसे ढक के हमें रख देना है 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के लिए। इसे रेस्ट देनी है। इसके लिए मुझे लगा है मुश्किल से 1/2 कप पानी। अब हम बना रहे हैं भाकड़ बड़ी के लिए मसाला। यहाँ लिया है मैंने, देखिए क्या क्या लिया है। मैंने 1 टेबलस्पून लिया है सफ़ेद तिल, 1 टेबलस्पून पोस्त का दाना जिसे खसखस के दाने भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून भर के लिया है नारियल का बुरादा, 1 टेबलस्पून ले लिया है मैंने हरी मिर्चें जो मैं ड्राई करके रख देती हूँ कटिंग करके। कई बार मैंने बताया आपको, अगर नहीं हो तो इसके बदले आप 1/2 चम्मच भर के काली मिर्च पाउडर ले सकते हैं, क्योंकि हमें थोड़ा जो चटपटा तीखा सा पोर्शन चाहिए वो उसके लिए। 1 छोटा चम्मच लिया है जीरा, 1.5 चम्मच लिया है धनिया साबुत, 1.5 चम्मच लिया है सौंफ मोटी वाली। यहाँ लिया है मैंने 1 चम्मच भर के चीनी, 1/2 चम्मच लिया है मैंने अदरक का पाउडर जिसे सौंठ पाउडर भी कहते हैं, 1 पिंच मैंने लिया है हींग, क्योंकि ये हींग जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब ये सारे मसालों के साथ मैं डाल रही हूँ जो कॉमन मसाले। पहला मसाला चाहिए हमें नमक का, इसी से ही तो रस आता है मसाले में। तो हमें चाहिए 1 चम्मच भर के नॉर्मल नमक, 1 चम्मच ले लिया मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम लिया मैंने हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ले लिया मैंने लाल मिर्चों का पाउडर, क्योंकि मैंने हरी मिर्चें काफ़ी सारी डाली हैं। अब आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में ग्राइंड करके एक सा कर लेते हैं। ये भाकड़ बड़ी आप बना के रख दोगे महीनों तक खराब नहीं होंगी, और घर की बनी हुई चीज़ें इन त्योहारों में बड़ी अच्छी लगती हैं। ये लीजिए, बढ़िया सा मसाला बनकर तैयार हो गया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है ये मसाला आप सिर्फ भाकड़ बड़ी में ही यूज़ करें, आप ये किसी में भी डाल सकते हैं। आप इसकी कचौड़ी भी बना सकते हैं जो काफ़ी दिन तक चलती हैं, आप इसमें पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी पराठा बनेगा। तो ये मसाला अगर आपको पसंद हो तो बना के भी रख देंगे ना, किसी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और अगर मसाला ज़्यादा बन जाता है तो काफ़ी दिनों तक इसे रख के भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं उस मैदे को देखने, उसको थोड़ा सा मल लेते हैं। अब उसे कट करके उसे 4 हिस्सों में हम बांट देते हैं। अब मैंने सबसे पहले 1 लोई ले ली है बड़ी सी, उसे मैं बेल लेती हूँ। ये मैं आपको बता रही हूँ भाकड़ बड़ी हम बेक कैसे करेंगे। पतली बेलेंगे, बड़ी सी बड़ी बेलेंगे, पूरी बड़ी, क्योंकि पतली नहीं बेलेंगे तो बेक करने में हमें फिर दिक्कत आएगी। जितनी पतली होगी उतना ही अच्छा है। ये देखिए काफ़ी पतली है, मैंने पूरी बड़ी सी बेल दी है रोटी को। दूसरी रोटी भी मैं इसी तरीके से गोल बेल देती हूँ इसी साइज़ की।
अब दोनों रोटियों को मैंने बेल दिया है, अब चलते हैं कुछ अलग से करने। क्योंकि भाकड़ बड़ी है तो इस पर मैं थोड़ा सा चटनी लगा देती हूँ। मीठी चटनी अक्सर जो हम बना के रखते हैं ना, गुड़ और इमली की या अमचूर की, वही मैं लगा रही हूँ। ये इसलिए लगाई जाती है जिससे ये मसाला जो हम डालेंगे तो चिपक सा जाए। बाई चांस आपके पास ये नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, नमक मिर्ची डालकर उसका घोल तैयार कर लीजिए, वो भी आप लगा सकते हो। या फिर थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा चीनी पाउडर डाल के पानी में घोल के नमक डालकर आप उसका भी घोल ले सकते हो। तो अब ये मैंने चटनी लगाया है, अब उसके बाद ये मसाला मैं ये ड्राई वाला डाल रही हूँ। सब तरफ हमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ये बहुत ही भाकड़ बड़ी का अलग तरीका बता रही हूँ, अलग शेप बता रही हूँ, क्योंकि कभी भी आपने भाकड़ बड़ी को बेक करते हुए नहीं देखा होगा। सब तरफ से मसाला चिपका रहे इसके लिए मैं चम्मच से उसे फैला रही हूँ। अब एक और रोटी ले रही हूँ मैं, उसे मैं इस तरीके से रख के ऊपर से बेल रही हूँ। एक बार अच्छे से बेल लीजिए जिससे ये हर तरफ से चिपक जाए। अब अपन मठरी कटर से लेंगे या फिर नॉर्मल नाइफ से लेके इसके चौकोर पीस कर लीजिए, जैसे सैंडविच बिस्किट होता है ना, बस इस टाइप का छोटा छोटा। ये छोटे छोटे बिस्किट नुमा हो गए। अब आप फोक से प्रिक कीजिए, दोनों तरफा करना है इसलिए पहले आप ऊपर से सब तरफ से कर दीजिए। तो देखा ना आपने, पहले एक तरफ से हमने कर दिया, अब बैक साइड से भी फोक से प्रिक कीजिए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब हम बेक करेंगे ना तो ये अंदर तक बेक होगा और खाने में बड़ा मजा आएगा। आप चाहें तो फ्राई कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से फ्राई करने वाला जो मैं दूसरा शेप आपको बताऊंगी ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए अब इसे मैंने बना के रख लिया है, चाहें तो आप एक आध घंटा रख भी सकते हैं। जितना ये ड्राई होगा उतना अच्छा ये बेक हो जाएगा। वैसे मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, उस पर थोड़ा ऑयल लगा लिया है और इस पर मैं सारे चौकोर चौकोर बिस्किट, जैसे है ना, आप मठरी कह सकते हो, भाकड़ बड़ी कह सकते हो, जो भी आपका मन करे कह सकते हो, और इसे आप बेक करने के लिए रख दीजिए। 180 डिग्री पर आपको बेक करना है कम से कम 15 मिनट के लिए। पहले आप 10-12 मिनट के लिए बेक कीजिए, फिर आप इसे टाइम बढ़ा सकते हैं। मैं बीच बीच में आपको वो भी बताती रहूँगी कि कब मैंने क्या किया बेकिंग में। तब तक चलते हैं हम भाकड़ बड़ी का मेन बनाने, मिनी भाकड़ बड़ी। तो उसके लिए मैंने अब जो रोटी बेली है थोड़ी छोटी छोटी बेली है, अब मैंने उसको बीच में कट कर दिया है, वो भी मैंने पतली बेली थी, और उसी पर भी मैंने ऐसे ही इमली का थोड़ा ब्रश से चटनी लगा दी है और उसके ऊपर मैं मसाला लगा रही हूँ। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना होगा, जो मैंने बीच में जहाँ मैंने कट किया है वहाँ मैं मसाला नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, वहाँ पर अगर मसाला मेन साइड पे लगा देंगे तो वो निकल जाएगा मसाला। और क्या, हमें बेलन से हल्का सा बेल लेना है जिससे मसाला आराम से चिपक जाए। ये देखिए, अब मैं उसको कस के रोल कर रही हूँ। जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लगा लिया था, इसीलिए मैंने कहा था कि मसाला एंड तक ना लगाएं। ये देखिए, अब हाथों से रोल कीजिए और इसे अलग रखते जाइए। यहाँ दूसरे पार्ट में भी मैंने ऐसे ही किया है, टाइटली आप रोल करते जाइए, बिल्कुल गैप मत छोड़िए। जैसे चिमटियाँ खोदते हैं ना, उसी तरीके से आप इसे टाइट रोल बनाते जाइए। लास्ट वाले पोर्शन में हल्का सा पानी लगा है तो बस वहाँ पर आप रोल कर दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया भाकड़ बड़ी बनती हैं। ये इसलिए इस तरीके से बना रही हूँ, इससे आपका ऑयल भी ख़राब नहीं होगा। कई बार जो वो बड़ी वाली बनाते हैं, कई बार ऑयल में थोड़ी निकल जाता है मसाला बिगनर्स से, तो इसमें आप बिगनर्स भी हो ना तब भी बना सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी तरीके से मैं सारी भाकड़ बड़ी को इस तरीके से बनाऊँगी। आप चाहें तो एक बार और चेक करके देख लीजिए। अब ये जो रोल हमने बना लिए हैं उसके साइड्स हम पहले कट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ना मैदा अलग से दिखता है, वो उसमें मसाला नहीं होता है। और बाकी हम आधे आधे इंच के पीसेस हम कट करेंगे। अब उसके लिए भी मैं आपको दो चॉइस बताऊंगी कि किस तरीके का शेप आपको पसंद आए, उस हिसाब से आप बना सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, इसको राउंड मतलब दबा दीजिए, इस तरीके से राउंड भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दूसरा शेप बताती हूँ, इसको लंबाई में आप दबा दीजिए, ये भी बड़ा अच्छा लगता है। चाहे तो आप सिंपल ऐसे ही बना लें, ये सारी चॉइस आपकी है। इसे आप दबा कर यूँ लंबाई में बना सकते हैं। ये देखिए, जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से बना लीजिए। इसी तरीके से सारे रोल जो हमने बना रखे हैं उनका हम कट कर रहे हैं और इस तरीके से दबा दबा के रखते जाइए।
अब हमने जो कढ़ाई रखी हुई है ना, उसमें हमें क्या करना होगा, ऑयल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होगा, मीडियम फ्लेम पे हमें बाकरवड़ी को डालना है और बहुत ज़्यादा बार बार नहीं चलाना है। बार बार चलाएंगे तो मसाला निकल सकता है, तो उसे आप आराम से धीरे धीरे चलाइए और उसे आराम से पकने दीजिए गोल्डन कलर आने तक। चाहे तो आप सरसों के तेल में फ्राई करें या रिफाइंड ऑयल में, ये आपकी चॉइस है। जब एक बार रोल पक जाते हैं ना, फिर चाहे आप बार बार चलाएं, लेकिन शुरू में अगर ज़्यादा चलाएंगे तो मसाला निकल सकता है। ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है, मैं एक जाली वाली टोकरी में डाल रही हूँ, उससे क्या होगा, जो भी ऑयल होगा वो नीचे निकल जाएगा। दिवाली की तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। क्या क्या खरीदारी की आपने ये भी मुझे बताना। घर को कैसे सजाया ये भी ज़रूर बताना। वैसे घर को सजाने के लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको माँ ये कैसे करूँ अपने दूसरे चैनल में बताई हैं, कैसे घर को साफ़ करें, घर को सजाएं कैसे, आप ज़रूर देखिएगा प्लीज़, उसमें आप ज़रूर विज़िट कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे वहाँ के ट्रिक्स। ये देखिए क्रिस्पी सी कुरकुरी सी भाकरवड़ी, मिनी भाकरवड़ी बनकर तैयार हो गई है। चलिए चलते हैं अब बेकिंग वाली डिश में, उसका क्या हुआ। ये देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, इन भाकरवड़ी को मैंने निकाल दिया है 7 से 8 मिनट बाद, और इसको ना मैं हल्का सा पलटा रही हूँ, जिससे क्या होगा ना दोनों ही तरफ ये बढ़िया से क्रिस्प होंगे। हालांकि नहीं पलटाएंगे तब भी वो क्रिस्पी हो जाएंगे, पर हो सकता है नीचे के साइड ज़्यादा कड़क हो जाए, ऊपर के साइड कम क्रिस्प हो, तो मैं इसको पलटा रही हूँ। अब 5-7 मिनट बाद मैं आपके पास लाई हूँ, कितनी अच्छी भाकरवड़ी सिकी हैं, यकीन नहीं हो रहा ना। आपने ऑयल में भी बना के देख ली, बिना ऑयल की, अगर आपको ऑयल से परहेज है, आप डाइटिंग पर हैं और इस तरीके से चटपटी भाकरवड़ी खाने का मन है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे इतनी क्रिस्पी है, इतनी टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, और यहाँ पर देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। ये फ्राई की हुई तो आप सब जानते हो ये क्रिस्पी होती हैं, पर ये बेकिंग वाली भी क्या क्रिस्पी होती हैं, ये देख लीजिए। ये देखिए कितनी बढ़िया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने बिस्किट बनाए हों, छोटे छोटे बिस्किट का ही शेप है और बहुत ही बढ़िया है। चाय के साथ या यूं ही आपका मन करे जब भी आप खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी ना कीजिए।